दोस्तों फाइनली द रॉक WWE में आ चुके हैं। उन्होंने इस हफ्ते की रॉ डे वन पे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया है। अब बहुत से रेसलिंग फैंस को लग रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच रसलमेनिया में होगा। तो गाइस ये मैच रसलमेनिया में नहीं होने वाला, मैं वीडियो में इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको रोमन रेंस के अपकमिंग बिग मैचेस के बारे में जानना है तो वीडियो को पूरा देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते। दोस्तों रसलमेनिया को होने में अभी काफी टाइम है। अब अगर WWE द रॉक को रॉयल रंबल के बाद लेकर आती तब शायद रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच रसलमेनिया में होता, लेकिन द रॉक ने रॉयल रंबल से पहले ही रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया। तो इसका मतलब साफ है कि WWE कहीं ना कहीं रसलमेनिया से पहले रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच करवाना चाहती है। अब देखो रॉयल रंबल से ही रोड टू रसलमेनिया का सीजन स्टार्ट हो जाता है। एंड रॉयल रंबल एंड रसलमेनिया के बीच का जो टाइम होता है बहुत क्रूशियल होता है। WWE इसमें बड़ी स्टोरी लाइन को बिल्डअप करती है क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें बड़े मैचेस रसलमेनिया में दिखाने भी होते हैं। अब रोमन रेंस पिछले 3 बार से क्लीन रसलमेनिया में गए हैं और ज्यादा मेहनत उनके अपोनेंट को करना पड़ा है, लेकिन शायद WWE इस बार कुछ अलग करना चाहती है। अब रॉयल रंबल में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का बिग मैच होने वाला है और ये मैच रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि WWE इस मैच में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच को भी बिल्डअप करने वाली है। सो ऑब्वियस है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच को हाइप करना है तो द रॉक को रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच में इंटरफेयर करना पड़ेगा। और क्या पता WWE इस मैच में रोमन रेंस को एक टाइटल भी हरवा दे, क्योंकि अगर रोमन रेंस उनका एक टाइटल द रॉक की वजह से आ रहे तब रोमन रेंस के एंगर की वजह से जो हाइप क्रिएट होंगी वो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच को बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी। उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो सकता है। अब देखो एलिमिनेशन चैम्बर WWE का सेकेंड बिगेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट है आफ्टर रसलमेनिया। एंड एलिमिनेशन चैम्बर में रसलमेनिया जितने ही लोग आते तो रसलमेनिया के बजाय एलिमिनेशन चैम्बर में द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच भी काफी सेंस बनाता है। एंड इस प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद क्या हो सकता है इस बारे में डिस्कस करने से पहले बिग शॉट आउट टू अब्दुल्ला एंड इट्स AKA 11। सॉरी अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया तो, बट आप दोनों को बिग शॉट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड बात करें द रॉक वर्सेस रोमन रेंस इन एलिमिनेशन चैम्बर इस मैच के बाद WWE रोमन रेंस को कैसे बुक करेंगी, तो गाइस बिलीव मी WWE में द रॉक आ जाए या उनसे भी बड़ा कोई सुपरस्टार आ जाए, लेकिन रसलमेनिया में सिर्फ कोडी रोड्स के लिए ही जगह है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स की बहुत इंटेंस स्टोरी लाइन है जो इस बार रसलमेनिया में जाकर एंड होंगी। एंड प्रोबेबली कोडी रोड्स रसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को डिथ्रोन करेंगे। अब ये कुछ रोमन रेंस को लेकर प्लान्स है जो WWE एग्जीक्यूट कर सकती है। अब मैंने अभी जो प्लान्स के बारे में बताया उसके अलावा भी एक पॉसिबिलिटी है जो इससे भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि असल महीने में आप कौन सा मैच देखना चाहते हो, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक या रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बस आज की वीडियो तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।